मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के साथ आज पगारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने आम जन समुदाय को संबोधित किया। वहीं अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कमलनाथ सरकार के बारे में कहा कि वह बेईमान सरकार है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने एक दिवसीय दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के साथ पगारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने गरीबों किसानों की संबल योजना को बंद कर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वहीं अपने आक्रोशित स्वर में कहा कि कमलनाथ सरकार बेईमान सरकार है, क्योंकि उसने गरीबों को मिलने वाली सभी योजनाओं के लाभ बंद करा दिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लोगों को अपने द्वारा कराए गए कामों को भी गिनाया, साथ ही कमलनाथ सरकार को बार बार बेईमान सरकार घोषित किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्होंने चालू की थी, कमलनाथ सरकार ने आते ही सबको बंद कर दिया। वहीं मंच पर से अपील कर दी कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत कर नरेंद्र मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाए। आपके पास पहुंच आए हैं, लेकिन जब से ये बेईमान कांग्रेस की सरकार आई, मेरे गरीब बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी भी तबाह और बर्बाद कर दी। संबल योजना ही बंद कर दी, डिलीवरी का पैसा बंद हो गया, बच्चों की फीसें भरा था, बिजली के बिल ज्यादा बड़े आने लगे, मकान बनना बंद हो गए, इलाज होना बंद हो गया। अरे और मौत मैयत में एक्सीडेंट में 4 लाख रुपया मैं भिजवाता था, वो भी इस बेईमानी सरकार ने बंद कर दिया। और अंतिम संस्कार के कफन के चिता के 5000 रुपया भिजवाते थे मौत मैयत में, वो भी इस बेईमानी सरकार ने बंद कर दिए। मेरा निवेदन है सबसे गरीबों से भी, विधानसभा में आपका तो भरपूर प्यार मिला गुना का, लेकिन थोड़ी अगल बगल से गड़बड़ हो गई, इसलिए भाजपा की सरकार नहीं बनी। लोकसभा में कोई गलती ना हो, अपने नेता गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और इसे भारतीय जनता पार्टी को गुजरात शिवपुरी अशोकनगर लोकसभा से जिताना है। और बाकी भी आप चिंता ना करें, पहले कलम की ताकत से आपकी सेवा करते थे, अब लड़ लड़ के आपके काम करेंगे। बहुत बहुत